नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की जयंती संयुक्त रूप से कांदिवली के पोईसर जिमखाना में मनाई गई। इस अवसर पर पोईसर जिमखाना के 20 साल पूरा होने पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया गया, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान दिन रात एक कर बिना अपनी जान का परवाह किए हुए जनता की सेवा किया था। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक पराग अलवानी, सेवानिवृत्त विशेष पुलिस अधीक्षक YC पवार, उत्तर मुंबई के भाजपा जिलाध्यक्ष गणेश खनकर, पोईसर जिमखाना के मुकेश भंडारी, करुणाकर शेट्टी सहित भारी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित थी। पेशे खास गुंडा प्रवृत्तियों को ठीक ठाक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जिमखाना हम सब जानते हैं कि केवल बोरीवली में नहीं, पूरे मुंबई में एक बहुत अच्छा काम, और विशेष करके आज पोईसर जिमखाना का 20 वर्ष पूरे होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के अवसर पर इस जिमखाना की शुरुआत हुई और कई सारे प्रकार की सुविधाएं बोरीवली की जनता को इस जिमखाना के माध्यम से मिलते हैं। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, साथ ही में श्रीमान बाला साहेब ठाकरे जी की जयंती, इसको मनाने के अवसर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। और हम सब जानते हैं, बड़ी लड़ाई हमने सब ने मिलकर के लड़ी, और जो कोविड वॉरियर्स है, इन्होंने सचमुच में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, और पोईसर जिमखाने उनको याद करके उनका आज उनको सम्मानित किया। YC पवार जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हाथ से उनका सम्मान हुआ। मुझे लगता है कि एक सही लोक प्रतिनिधि का कार्य यही होता है कि जो समाज के उपयोग में आते हैं लोग, और संकट के समय जो दौड़ के काम करते हैं, उनका सम्मान याद से रखना, ये माननीय गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से आज यहाँ पर हुआ। हमने प्रारंभ किया था तो तब पता नहीं था कि इतना बड़ा पोईसर जिमखाना होगा। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि पोईसर जिमखाना इतना अच्छा काम कर रहा है। आज बहुत सारे पुलिस वालों का हमने सत्कार सम्मान किया है, यहाँ पर कोरोना वायरस का सम्मान किया, और पराग अलवानी जैसा एक कार्यकर्ता, हम लोग साथ में काम करते थे, फिर नगर सेवक बने, फिर विधायक बने, और आज वो पोईसर जिमखाना के कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में आकर जब भाषण दे रहा था तो मन में एक बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे नेताओं ने जो तपस्या किया कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का, वो आज कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और बाला साहेब ठाकरे जी के जयंती के अवसर पर आप लोगों ने जो सवाल मुझसे किया कि भाई आज युति नहीं है, लेकिन फिर भी आप बाला साहेब ठाकरे जी का जयंती का आयोजन कर रहे हो। देखिए, युति है, राजनीतिक युति थी, आज कल थी, आज नहीं है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन बाला साहेब ठाकरे जी के साथ में हम लोग वैचारिक रूप से जुड़े हुए थे। बाला साहेब ठाकरे जी ने पूरा जीवन राजनीति को बाजू में रखकर समाज का निर्माण कैसे हो, समाज में अच्छे लोग आगे कैसे आए, मेरा देश कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। तो आज उनके ना होने के समय पर अगर हम बाला साहेब ठाकरे जी को भूल जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि बाकी जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए बाला साहेब ठाकरे हम सबके लिए एक हिंदुत्व के लिए एक आदर्श थे, आदर्श है और आदर्श रहेंगे। बाला साहेब ठाकरे जी को जितना हम याद करते रहेंगे तो आज की राजनीति में जो कुछ चल रहा है वो भी दिलों लोगों के दिलों दिमाग तक पहुँचेगा। करेक्शन जनता ने करना है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन हम सब लोगों ने करना चाहिए। 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितना बड़ा काम किया, कितने महापुरुषों को ऊपर, उनका दर्जा ऊपर करने का उन्होंने काम किया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक राष्ट्रीय स्तर पर आज जो सम्मान मिला है, आज वो स्वयं बंगाल गए हैं, कलकत्ता गए हैं। मैं मानता हूँ कि ये महापुरुष उन दिनों में इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर देश के लिए काम में आए, और आज के जो IAS ऑफिसर्स है वो क्या करते हैं, ये अगर लेखा जोखा वो स्वयं में करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव समाज में आएगा। मैं सबसे पहले तो हमारे खासदार गोपाल शेट्टी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जब जिमखाना बन रही थी तब इस कार्य के लिए चुना, और धीरे धीरे करते करते अब मैं वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन पे पहुँचा हूँ।
जिस वक्त पोईसर जिमखाना का निर्माण गोपाल शेट्टी साहब ने किया है तो यहाँ पे बंजर जमीन थी और बहुत सारे कचरा कूड़े कचरे यहाँ पे पड़े हुए थे। तो साहब ने एक टीम बनाई थी फाउंडर मेंबर्स की, जो 50-60 लोग उसमें थे, उसमें से मैं भी एक था, और हम सभी ने मिलके यहाँ पे कूड़ा कचरा साफ करके एक जगह को साफ सुथरा बनाया और उसके बाद में ट्रस्ट के पोईसर जिमखाना ट्रस्ट के माध्यम से इस ग्राउंड को बीएमसी से हमने लेके एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने बनाने की कोशिश की। और आज तक करीबन 20-22 साल हो गए और हर साल हम इस जिमखाना के अंदर, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, क्रीड़ांगण है, तो हर दिन 23 जनवरी को हम उनके व्याख्यान का आयोजन करते हैं और साल भर में काफ़ी सारे खेलकूद के आयोजन करते रहते हैं। शुरुआत में कई पुलिस वालों को भी दिया गया, बहुत कम ही रेट में, कई प्रकार की कठिनाई आई। अब पोईसर जिमखाना में और कुछ बदलाव की शेट्टी साहब ने बातें कही, उसको कैसे अमल किया? जैसे कि आपने देखा होगा कि देश में जब कोविड का महामारी छा गया था, सभी लोग अपने घर पे बैठे हुए थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, वैसे वक्त में हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी सवेरे 8 बजे से लेके दोपहर को 1:30-2 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक पोईसर जिमखाना में डेली आया करते थे। हम सभी लोग उन्हीं के साथ में आया करते थे और जो 2002 में पोईसर जिमखाना थी उससे भी सुंदर और सुशोभीकरण करने का काम हमने इस कोविड के 5-6 महीने में किया है। अगर आपने देखा होगा, हमने जॉगिंग ट्रैक पूरा चेंज कर दिया, गार्डन को डेवलप कर दिया, 2 सीनियर सिटीजन का डोम बना दिया, मेडिटेशन सेंटर बनाए, तो ये सारा चीज़ हमने जो 4-5 महीने के कोविड का वो है उसमें काफ़ी अच्छा सुशोभित करके हमने इसको नया स्वरूप देने का प्रयत्न किया है गोपाल शेट्टी।